हमारे साथ मीना देवी मौजूद हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। कैसा महसूस कर रही हैं? आप ही की बेटी, आपने जिसको पाला, चली गई थी करीब 18 महीने, आपसे दूर रही, एक बहुत मुश्किल समय रहा होगा आपके लिए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत था, मतलब अच्छा दिन था आज का। और फिर सबसे बड़े ये हैं हमारे पारस जी हैं, ये समझ लीजिए इन्होंने मेरी गोदी में दोबारा से, ये कायनात दोबारा से, ये समझ लीजिए मेरी गोद भर दी इन्होंने। इनकी कर रही मशक्कत करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में मेरी बेटी मुझे मिली है। बहुत मेहनत की है इन्होंने मेरे साथ में। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बहरहाल जो एक रास्ता इन्होंने बताया उस रास्ते पे मैं चली, वो भी मेरे साथ साथ चले। परेशानियां बहुत भुगती है इन्होंने, सफर कराया, इलाहाबाद गए, जब भी मैं जाती थी जब भी इलाहाबाद साथ जाते थे मेरे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं, अकेली नहीं जा सकती इसलिए। और जो हमारे पारस जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत के साथ में मेरी बेटी मेरी गोद में डाल दी। जी यही जो मीना भी जी, कुछ है वो आपको पारस तो, जी जी आपको तो यशोदा तक करार दे दिया गया। यशोदा की कहानी जी हमने सुनी है और आज ऐसा ही लग रहा था आपकी पूरी कहानी सुनकर। जी 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 कोर्ट में क्या हुआ था? कोर्ट में ये हुआ था कि कम से कम लगभग 1 सवा 1.5 घंटे वो जो क्या नाम भैंस चली थी उनकी, इतना मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो इंग्लिश बात करते हैं। 1.5 घंटे भैंस चली थी, और भैंस करने के बाद में उनकी जो भी उन्होंने न्याय दिया वो अच्छी तरीके से, मतलब मुझे जो भी दिया उन्होंने, हकीकत में कहते नहीं है कि यहाँ से कहीं से न्याय नहीं मिले तो हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट वालों ने भी, जज साहब ने मेरी तरफ ये समझ लो देख करके, उन्होंने कायदे कानून से ही बेटी को सौंप दिया, कह दिया कि बेटी को दिलवाया जाए। नरेश जी, अगर आप बताना चाहें, बहुत मुश्किल रहा होगा लेकिन बहुत जरूरी था आपका साथ मीना देवी के लिए और तभी ये संभव हो पाया। देखिए, राह तो बहुत कठिन थी। जिस तरह से बच्ची को इन्होंने यहाँ पर बंद कर दिया था, 18 महीने से बच्ची बाल गृह में एक सजा के रूप में रही थी वहां पर। और चूंकि हर जगह हमने दरवाजा खटखटाया था, प्रशासन से भी बात की, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी बात की, किसी ने नहीं सुनवाई की। यहाँ तक कि यूपी बाल आयोग ने आदेश दे दिया था कि बच्ची को पालनहार माँ को दे दिया जाए, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं दिया। धरने भी हमने दिए, धरने के बाद में भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। जब हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट में भी बहुत सारे हमारे साथ में वेरिएशन आए। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी बोल दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये इन्होंने अवैध तरीके से बच्ची को रखा है, और इनका साथ देने वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। तो बहुत कसमकस बड़ा माहौल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार हाईकोर्ट में पैरवी करते रहे। जब कल हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, सुनवाई करीब 1.25 घंटे चली, और 1.25 घंटे की सुनवाई में पूरा कोर्ट में जितने भी लोग थे, पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। वकील थे और ये थे, और इनके जब सुनवाई के दौरान इनके चेहरे के भाव पल पल पर बदल रहे थे, क्योंकि कहीं नहीं लग भी रहा था कि बच्ची मिलेगी, कभी मिलता लगता नहीं लगेगी, तो कभी बीच बीच में ये रोज आती थी, जी इनको सांत्वना देनी पड़ती थी। तो फिर जज साहब ने इनको तो बीच में ये बुलाया, इनकी किन्नर ने एक्सपीरियंस आखिर जो पूछे। थी अंजलि, उन्होंने क्या शिकायत की थी? उस शिकायत का तो आज तक इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें, लेकिन CWC का ये कहना था कि उन्होंने ये शिकायत की थी कि ये बच्ची को ठीक तरह से नहीं रख रहे हैं, इनका पालन पोषण ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। वो उसी के आधार पर इन्होंने बच्ची को बुलवाया था। बच्ची को बुलवाने के बाद में बाल गृह में इन्होंने बंद कर दिया, तभी बच्ची स्कूल से आई थी, स्कूल से सीधे ले गए थे और उनको बंद कर दिया। तो वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि उसने क्या आरोप लगाए थे, लेकिन इनका कहना था कि उन्होंने आरोप ये लगाए थे ये सही तरह से नहीं रख रहे हैं। जब उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराई गई तो उसमें ये निकल के आया कि बच्ची ठीक तरह से रह रही है, लेकिन बिल्कुल इनकी सर, आर्थिक एक स्थिति आखिर सुधारी सवाल नहीं है। मीना देवी से, आपने अब अपनी बिटिया के भविष्य के लिए क्या सोचा है? मैंने अपनी बेटी के लिए यही सोचा है, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी अच्छी तरीके से, रखूंगी बढ़िया तरीके से, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी अपनी बेटी को, भविष्य बनाऊंगी अपनी बेटी का। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना कठिन समय नहीं, देखा। मैं तो एक बात और कहना चाहती हूँ, जी क्या आप एक बात जी बताइए, हाथ जोड़ के मैं तो ये कह रही हूँ कि यूँ कहती है सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने बेटी को बचा करके बताई, आप मैंने क्या गुनाह करा, क्या मैंने बुरा कर दिया बताइए? बेटी को मैंने बचा भी लिया, पढ़ा भी रही हूँ, जी कहीं ना कहीं से करके इलाज भी करा रही, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर है उनसे इलाज कराती हूँ, बढ़िया स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ये सर भी जी आए, इन्होंने भी स्कूल देखा होगा, माना हुआ स्कूल है,
इंग्लिश मीडियम, उसमें मैं पढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को। बताइए मैंने क्या गुनाह कर दिया था जो मुझे ये 2 साल के, ये समझ लो मुझे इतना इन्होंने परीक्षा ले ली मेरी। बिल्कुल, कोई ना कोई रास्ता बन जाता है मदद का। और जिस तरह से नरेश जी आपके ये साथ मदद जुड़े और मेरी आपकी रास्ता ये बिटिया बन गए भारत आपको में मिल हमारे गई, लिए। जी, और आप समझ सकते हैं जो चुनौतियां और जो परेशानियां आप सामने रख रही हैं, जो तमाम जो वर्ग होते हैं, केंद्र होते हैं, संस्थाएं होती हैं और सरकारें होती हैं, उनको सुनना चाहिए जब ऐसे मामले सामने होते हैं। उनके लिए एक छोटा सा मामला होगा, लेकिन एक माँ के लिए उसकी पूरी जीवन की कमाई ये हो जाती है।